और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि हाल ही में अभी अंबिकापुर अनूपपुर रेलखंड में कोरोना संक्रमण के बाद से बंद पड़ी हुई अंबिकापुर शहडोल ट्रेन को सोमवार को शुरू कर दिया गया। करीब 2.5 साल पहले पैसेंजर के रूप में संचालित ये ट्रेन अब एक्सप्रेस के रूप में चलाई जा रही है। यानी कि ये पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी अंबिकापुर अनूपपुर पैसेंजर ट्रेन, जो कि सभी स्टेशनों में रुकते हुए जाती थी और इस ट्रेन का किराया भी कम था। कोरोना के बाद इस ट्रेन को बंद कर दिया गया। लगभग यात्रियों की मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को बहुत दिनों बाद शुरू तो किया लेकिन इस ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन बना दिया। इससे अंबिकापुर और शहडोल के बीच यात्रा का समय तो कम हो गया, लेकिन इसके लिए यात्रियों को 2 गुना ज्यादा किराया देना होगा। आपको बताते चले, इस ट्रेन के शुरू होने से अनूपपुर से कई दूसरी कनेक्टिंग ट्रेनों की सुविधा लोगों को मिलेगी। अंबिकापुर और शहडोल से ये ट्रेन प्रतिदिन संचालित होगी। पहले दिन अंबिकापुर से सुबह 9 बजे ये ट्रेन रवाना हुई। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से राजधानी रायपुर सहित अनूपपुर कटनी रेलखंड में ही गिनी चुनी ट्रेनों का संचालन होता है। लगभग 2.5 साल पहले कोरोना संक्रमण के दौरान देश भर में ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था। संक्रमण कम होने के बाद जब ट्रेनों की आवाजाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन अंबिकापुर से सिर्फ दुर्ग एक्सप्रेस का परिचालन ही आरंभ हुआ। इसके बाद अंबिकापुर जबलपुर और बाद में अंबिकापुर अनूपपुर मेमू ट्रेन का संचालन होने लगा, लेकिन अंबिकापुर शहडोल एवं अंबिकापुर अनूपपुर मनेन्द्रगढ़ पैसेंजर ट्रेन दोबारा नहीं शुरू हो पाई। इन दोनों ट्रेनों के दूसरी ट्रेनों से कनेक्टिविटी होने के कारण इसे फिर से संचालित करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे प्रबंधन ने अंबिकापुर शहडोल ट्रेन को दोबारा आरंभ तो कर दिया, लेकिन इस ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन बनाकर चला दिया। इस ट्रेन का संचालन दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन के रैक से किया जा रहा है। 2.5 साल से दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन की पूरी रैक अंबिकापुर में ही रात तक खड़ी रहती है। इसे लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों ने रेलवे बोर्ड एवं DRM को पत्र लिखा था। आपको बताते चले कि एक्सप्रेस होने के कारण अब इस ट्रेन का ठहराव कम स्टेशनों में होगा। यानी कि जो छोटे छोटे स्टेशन थे जिनमें अंबिकापुर शहडोल पैसेंजर ट्रेन जब रुका करती थी तो छोटे छोटे स्टेशन के लोगों को काफ़ी राहत मिला करती थी आने जाने में, लेकिन अब एक्सप्रेस ट्रेन हो गई है। हालांकि ट्रेन जल्दी समय में पहुंचेगी, लेकिन जो छोटे स्टेशन वाले लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होंगी क्योंकि वहां ये ट्रेन नहीं रुकेगी। आपको बताते चले कि अंबिकापुर शहडोल गाड़ी संख्या 18756 ये ट्रेन सुबह 9 बजे रवाना हो जाती है, जो कि दोपहर 1:30 बजे शहडोल पहुँचती है। वहीं शहडोल अंबिकापुर ट्रेन गाड़ी संख्या 18755 ये ट्रेन दोपहर 2:30 बजे शहडोल से रवाना होकर रात 9 बजे अंबिकापुर पहुँचती है। अंबिकापुर से शहडोल के बीच इस ट्रेन का सिर्फ 7 स्टेशनों पर ही ठहराव दिया गया है। इसमें विश्रामपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, बिजुरी, कोतमा, अनूपपुर और बुढ़ार जैसे मेन स्टेशन ही शामिल हैं। आपको बताते चले कि अंबिकापुर शहडोल जो एक्सप्रेस ट्रेन को चलाई गई है, इस ट्रेन का पूर्व में संचालन सुबह 8:30 बजे पैसेंजर के रूप में हुआ करता था। उस वक्त ये ट्रेन दर्जन भर से ज़्यादा स्टेशनों पर रुका करती थी। कई बार इस ट्रेन के अनूपपुर पहुँचते दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती थी। अब एक्सप्रेस ट्रेन होने के कारण अनूपपुर स्टेशन में ये ट्रेन दोपहर 1:45 बजे पहुंचेगी। इससे यात्रियों की महानगर की यात्रियों के लिए जैसे कि बिलासपुर इंदौर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दुर्ग जम्मू तभी ट्रेन का कनेक्शन मिलेगा, जिसमें यात्री आराम से यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन छोटे स्टेशन के यात्रियों को होगी जहाँ पर ये ट्रेन नहीं रुकेगी। भारतीय रेलवे इस सेक्शन में गुनी चुनी ट्रेन को ही चलाता है और जो पैसेंजर ट्रेन है उनको भी एक्सप्रेस ट्रेन बना के चला दिया। जो छोटे स्टेशन के यात्री हैं अब वो क्या करेंगे, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यही बात की जाए अगर कटनी चिरमिरी सेक्शन की, तो कटनी चिरमिरी सेक्शन से भी लगभग कोरोना काल से कई पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बंद करके रखा है भारतीय रेलवे ने, जिसमें रीवा चिरमिरी, चंदिया चिरमिरी, चिरमिरी कटनी शटल जैसी प्रमुख ट्रेन शामिल है, जिससे आने जाने में बहुत ज्यादा जनता इन ट्रेनों से यात्रा करना पसंद करती है क्योंकि ये ट्रेन सभी छोटे स्टेशनों में रुकते हुए जाती हैं। तो जो छोटे स्टेशन के यात्री होते हैं इनको आने जाने में किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं होती है, लेकिन भारतीय रेलवे ने कटनी चिरमिरी सेक्शन की सभी ट्रेनों को बंद करके रखा है और इस समय कटनी चिरमिरी सेक्शन में इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। तो जब तक इंटरलॉकिंग का कार्य समाप्त नहीं होगा, जब तक कटनी चिरमिरी सेक्शन की ट्रेनों को भी शुरू नहीं किया जाएगा, तो फिलहाल जल्द से जल्द कार्य खत्म करना चाहिए। और कटनी चिरमिरी सेक्शन में जो बंद पड़ी हुई ट्रेन है जैसे कि रीवा चिरमिरी, चंदिया चिरमिरी, चिरमिरी कटनी शटल ट्रेन, इन ट्रेनों को शुरू करना चाहिए और इन ट्रेनों को स्पेशल बना के बिल्कुल भी शुरू नहीं करना चाहिए और ना ही इन ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेन बना के शुरू करना चाहिए। इन ट्रेनों को पैसेंजर ट्रेन बना के ही शुरू करना चाहिए, जिस तरीके से ये ट्रेन पहले चला करती थी सभी छोटे स्टेशनों में रुकते हुए।
उसी तरह ये ट्रेन छोटे स्टेशनों में रुकते हुए चले ताकि यात्रियों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस बात पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।